जमीन पर पैर जमा रही आम आदमी पार्टी के एक और नेता पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मुकदमा दर्ज हुआ है। नया केस आपके यूथ मैनिफेस्टो के कवर पर श्री दरबार साहिब की फोटो, उस पर चुनाव चिन्ह झाड़ू लगाने और इनकी तुलना श्री गुरु ग्रंथ साहिब से करने का है। सोमवार को मैनिफेस्टो जारी करते समय आप नेता आशीष खेतान ने कहा था कि ये मैनिफेस्टो उनकी पार्टी के लिए बाइबल भी है, गीता भी है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब। आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जनता के साथ एक करार के तौर पे देखती है। ये हमारी बाइबल भी है, ये हमारी गीता भी है और ये हमारी गुरु ग्रंथ साहिब भी है और ये हमारी गुरु ग्रंथ साहिब भी है और ये हमारी गुरु ग्रंथ साहिब भी है। इस बयान के बाद बंधक हल्का उनके खिलाफ आ गए, जिसके चलते पंजाब से लेकर दिल्ली तक केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। आज दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह चीके, महासचिव मनिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में टीएसजीएमसी के सभी सदस्य, अकाली दल बादल के वरिष्ठ नेता और हजारों सिखों ने केजरीवाल के घर के पास प्रदर्शन किया, जहां पहले से बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। अकाली नेता केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे, मगर अकाली नेताओं और सिख नौजवानों के आगे पुलिस की बैठक उन्हें नहीं रोक सकी और नौजवानों ने दो बैठक की दीवार को तोड़ दिया। जब तीसरी दीवार को तोड़ने ही वाले थे, तभी पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को रोका और हिरासत में ले लिया। जिस तरह से आम आदमी पार्टी धार्मिक भावनाओं को भड़काने में लगी है, इससे लगता है आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अंग्रेजों की नीति को अपना रहे हैं। फूट डालो शासन करो। समझदा वा गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ी इक सांझी वार्ता दा प्रतीक है, समुचे धर्मां दा ओह ग्रंथ है, ओहदे उत्ते हमला कीता गया और ऐसे एक झूठे मैनीफेस्टो नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल जोड़ना, यह एक मैं समझदा वा कि मूर्खता दा बहुत वड्डा इन्होंने मिसाल दित्ती है और इन्हां नूं इस करके अपना इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल केजरीवाल अपने पद तो रिजाइन देवे, ये सिख भावनावां दे नाल खिलवाड़ है कि अपने मैनीफेस्टो के उत्ते दरबार साहब और झाड़ू की फोटो लगाइए, सब शब्दों की निंदा करते हैं। आज सारा सिख जगत जो है गुस्से में है। आम आदमी पार्टी जेड़ी मैं कह सकदा वो नलायकां दा टोला जेड़ी पंजाब दे विच जाके जिवें दिल्ली दी जनता नूं गुमराह करके अज पंजाब दे भोले भाले लोगों नूं गुमराह करके सत्ता देना चाहुंदी है और जिस तरीके उन्होंने सिखां दीआं भावनावां दे नाल खिलवाड़ कीता है, अपने मैनीफेस्टो दे फ्रंट पेज दे उत्ते कवर पेज दे उत्ते जिथे उस महान धरती उस महान गुरु साहब के स्थान दरबार साहब के फोटो के नाल झाड़ू पेश किया गया, जिहदी पूरी सिख कौम बड़े कड़े शब्दों के विच निखेधी करदी है। उन्हें बेहूदगी की आशीष खेतान ने, यह केजरीवाल खुलदा पाया कि मैं पूरे हिंदुस्तान के विच जिहड़ा तरन अपने कब्जा कर लाँ, एक हिंदुस्तान में विजय कर लाँगा, जीत लाँगा, उन्हें यह नहीं पता कि धर्म धार्मिक जिहड़े ने उन्होंने जिहड़ा खिलवाड़ कर रहा और वो भी सिख धर्म नाल, जिहड़ा सिख धर्म ने हमेशा हर धर्म की इज्जत की है, मानवता का रस्ता दिखाया, भाईचारे का रस्ता दिखाया, उस दिन और वह पवित्र स्थान श्री दरबार साहब उस करके और झाड़ू का लगा रहा है। मैं समझदा कि इहनूं किसी तरह से कोई ना तो किसी सेंटीमेंट से ना किसी तरह की परवाह है, इन्हें जो बेहूदगी हरकत की है वो सिख कौम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखो गल ये कि इतों यह पता लगता है कि केजरीवाल की पार्टी के जिन्ने मैंबर हैं उन्होंने सिखिज़म की रवायत का ही नहीं पता। सिखिज़म के अंदर गुरु ग्रंथ साहब को कंपेयर करना एक बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक है, खाली मिस्टेक भी नहीं क्राइम है मैं समझदा हाँ। और दूजी गल जी उन्होंने दरबार साहब की फोटो देके झाड़ू लाल छपवाया है, ये बहुत बड़ी गलती है और असी इस नूं कंडेम करने हैं और केजरीवाल नूं अपील करते हैं कि वो खुद आके इस गल की जिम्मेवारी लवे, अपनी गलती मने और उन्हें जाके दोबारा माफी मांगे। ये केजरीवाल जिहड़ा झूठ का पलंदा इन्हें मैनीफेस्टो किया रखा है, उसके उत्ते दरबार साहब की फोटो लगा के नाल झाड़ू की लगाई जिहदी भी निंदा की जाए उन्नी घट है और मैं कहना कि यह खेतान नूं और केजरीवाल नूं पूरे सिख कौम तो माफी मंगनी चाहिए। चोर चक्कर टोपी मास्टर है, ये धर्म नूं भी वरता है, ये जातां नूं भी वरता, अपराधियों भी वरता है। दिल्ली एक बार दाल आ गया, यह समझा भी सारी जगह मैं इसे तरह करके वोटा ले लूंगा, यू के प्यो राजा इन्हू कि हक दिता कि तू गुरु ग्रंथ साहब में इन्वॉल्व कर, उसका नाम किसने कहते गुलाम वास्ते, इन्हू कि आख्या, यह कौन हों
इन्हें सब बड़ा गुनाह किया कहीं नहीं बख्शा जा सकता। जो गुरु ग्रंथ साहब का नाम ही लैके अस्थान से गिना वो सारा धार्मिक ग्रंथ है, धर्म गुरु है, सारा अमर गुरु है, सदा रहने वाला गुरु है। इन्हें जो किया अपने वोटों वास्ते किया, इस करके राज वोटा राजनीति खत्म करना चाहता। इस बारे है कि जो केजरीवाल जी ने उत्तर हरिमंदर साहब की जो पंजाब साहब बोर्ड में झाड़ू ला के जो अपना मोमेंटो तैयार किया, बहुत ही मैं कहना एक निंदा योग कार्य किया और यह काम होना नहीं चाहिए। अभी साड़ी धार्मिक भावना जुड़िया ने, साडा मक्का मदीना है श्री दरबार साहब जिथे सारी दुनिया जाके नतमस्तक होंगी है और इन्हें अपना मजाक बनाया और अज असी प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली की सरकार के केजरीवाल सरकार के खिलाफ, क्योंकि दो गंद इतने पाया पंजाब जाके गंद ना पाए। यही चीज अलर्ट करना है केजरीवाल को कि सुधारना पंगे ना।